सभापति महोदय, अब जेएनयू में उसका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। आज यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है, वो भी वहां से पढ़कर आई। अभिजीत बनर्जी भी वहां से नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन आज जो कुछ भी जिस तरह के पिछले 5-10 वर्षों में वहां हो रहा है, विवेकानंद जी ने कौन सा अपराध किया? क्या उनकी प्रतिमा अनावरण के पहले लाल रंग से पोत जाएगी और वहां लिखा जाएगा भगवा जलाओ? ये क्या है? क्या जेएनयू में उन लोगों का समर्थन किया जाएगा? Nothing is going on record. सदन का सहयोग चाहिए इसमें। Nothing is going on record. सदन का सहयोग चाहिए। क्या वे लोग जो वहां पर कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो वहां पर ये कहते हैं कि वहां अफजल जितने मारोगे घर घर अफजल पैदा करेंगे, जो कारगिल के युद्ध के बाद अगर कोई वहां लड्डू बांटता है तो उसको मारा जाता है, के ऊपर आना है, फिर वहां पर बात होती है, अगर हम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतते हैं वहां मिठाई बांटते हैं तो उन छात्रों को मारा जाता है, ये कौन सी संस्कृति है? विवेकानंद जी यूथ आइकॉन में जाकर जिन्होंने कहा था संबोधन दिया, क्या ये अपराध नहीं है? और ऐसे मैं एक मांग करना चाहता हूँ सभापति महोदय जी, नक्श से सिख तक जेएनयू में मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया है उनको